Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Tsunami and tidal waves. A tsunami is a large ocean wave usually caused by an underwater earthquake or a volcanic explosion. Tsunami is actually an undersea earthquake. Tsunami jab samudr ke niche earthquake aata hai, uske karan tsunami aati hai. Pani ke niche. Tsunami ki jo waves hain, vah ocean mein aate hain aur पानी के नीचे जब अर्थक्वेक आता है और वॉल्केनिक एक्सप्लोजन होता है तब सुनामी आती है. इन द ओपन ओशन सुनामी इज ओनली अबाउट 1 meter हाई, बट एज इट अप्रोचेस शैलोवर वाटर एंड द शोर इट ग्रोज टू हाइट्स एज हाई एज 85 meters. इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑन द सी शोर इन सेकेंड्स. द मोस्ट कॉमन causes of tsunami are volcanoes and earthquake, mostly undersea. Open ocean में महासागर में जो सुनामी है केवल 1 meter ऊंची होती है, लेकिन यह shallower water में उथले पानी और तट के पास पहुंचती है तब बहुत ही ऊंची ऊंची 85 meter तक ऊंची लहरें उठती हैं, जिसके कारण एक ही सेकंड में यानी सेकंडों में बहुत ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, विनाश हो जाता है और जो सुनामी है वह अर्थक्वेक और वॉल्केनोज जो अंडर सी में आते हैं उसके कारण सुनामी आती है. सुनामी कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय लैंड स्लाइडिंग इनटू द सी विद सच ग्रेट फोर्स that it creates a wave. Most tsunami occur in the Pacific Ocean as it is located on a plate mostly made of water. Tsunami jo hai vah sea mein se land sliding ke dwara bhi tsunami aati hai, great force ke karan create hoti hai. Aur tsunami zyadatar Pacific Ocean mein hi aate hain kyunki yah ज़्यादातर पानी से बनी प्लेट पर स्थित होते हैं. अ सुनामी वार्निंग नाउ ऑपरेट्स इन द पैसिफिक. दिस सिस्टम मॉनिटर्स सी मूवमेंट एंड कैन बी यूज टू मैप द पाथ ऑफ सुनामी एंड एस्टिमेट द रेट ऑफ अप्रोच. द अथॉरिटीज देन नोटिफाई द पब्लिक एंड एवैक्यूएशंस आर अंडरटेकन. अब एक सुनामी वार्निंग पैसिफिक में चल रही है. इस सिस्टम से जो सी का जो मूवमेंट है उसके मैप को यूज़ करके सुनामी के पाथ को और उसके रेट को अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे कि जनता को सूचित किया जा सके. टाइडल वेव्स आर द वेव्स कॉज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ सन मून सन एंड प्लैनेट्स upon the tides as well as the wind as it moves over the water. Due to this pull, water in the ocean and seas rise and fall twice a day. Tidal waves यह moon, sun और planets के force के कारण होने वाली waves है, और साथ ही यह हवा पानी के ऊपर चलती है. इस force के कारण दिन में 2 बार sea में पानी बढ़ता है और गिरता रहता है. द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ एंड इट्स पुल इज मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द सन. ड्यूरिंग टाइडल वेव्स वाटर फ्लोज इन सर्कल, बट ड्यूरिंग सुनामीज वाटर फ्लोज स्ट्रेट. दिस इज द रीजन सुनामी कॉजेज सो मच डैमेज. टाइडल वेव्स एंड सुनामी आर नॉट द सेम. टाइडल वेव्स आर नॉट डिस्ट्रक्टिव एंड सुनामीज आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव. मून अर्थ के नज़दीक है और इसके कारण फोर्स सन के कंपेयर में बहुत अधिक होता है, स्ट्रॉन्गर हो.
जब टाइडल वेव्स आता है तो जो वाटर फ्लोज होता है वह सर्कल में होता है, और सुनामी में जो वाटर फ्लोज है वो स्ट्रेट में होते हैं, जिसके कारण सुनामी बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है, बट टाइडल वेव्स इतना डैमेज नहीं करता है। टाइडल वेव्स और सुनामी सेम नहीं है। टाइडल वेव्स में डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, बहुत विनाश नहीं होता है, बट सुनामी में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, विनाशकारी होता है। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में 9.3 का अर्थक्वेक आया था, मींस जो सुनामी आई थी अंडर सी में, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, अबाउट 3 लाख पीपल की डेथ हो गई थी, और यह सुनामी 25 मीटर हाई आया था, ऊंचाई में आया था, मींस 80 फीट की ऊंचाई पर आया था, जिसके कारण बहुत ही तबाही हो गई थी इंडोनेशिया में। वॉल्केनो, वॉल्केनोज अकर्स व्हेन द अर्थ प्लेट पुल अपार्ट कॉजिंग मैग्मा टू राइज टू द सरफेस, द टेम्परेचर एंड प्रेशर डीप बिलो द अर्थ क्रस्ट इज ग्रेट इनफ टू मेल्ट द रॉक। When this molten rock blasts to the surface, it results in a volcano. Volcano तब होता है जब अर्थ की प्लेट अलग हो जाती है, जिससे सरफेस में मैग्मा उठता है। जो अर्थ के नीचे का टेम्परेचर और प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही गर्म होता है, हॉट होता है, और अर्थ क्रस्ट को मेल्ट कर देने में या पिघलाने में बहुत होता है। जब molten rock सरफेस में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण वॉल्केनो आता है। वॉल्केनो कैन ऑल्सो अकर ओवर हॉट स्पॉट एंड वेयर वन प्लेट ड्रॉप्स बिनेथ अनदर, फोर्सिंग मैग्मा टू राइज टू द सरफेस। वॉल्केनोज यूजुअली अकर ऑन द एजेस ऑफ प्लेट्स, सिमिलर टू वेयर अर्थक्वेक अकर। Volcanoes are opening in the earth crust from where molten rock ashes gases escape from below the surface of the earth. Volcano hot spot पर भी हो सकता है, और जहाँ एक प्लेट दूसरे से नीचे गिरती है, जिससे मैग्मा सतह पर बढ़ जाता है। Volcano ज़्यादातर प्लेटों के किनारों पर होता है, जहाँ भूकंप आते हैं। Volcano earth crust में ओपन होते हैं, जहां molten rock ashes means rock और gases अर्थ के सरफेस के नीचे से बच जाते हैं। स्टेजेस ऑफ volcano, बेस्ड ऑन द volcanic eruptions, साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड volcano इन टू 3 मेन कैटेगरीज, एक्टिव, dormant एंड extinct volcanoes. First, active volcano, the volcano which has recently erupted and there is a possibility that it may erupt soon is called the active volcano. Second, dormant volcano, the volcanoes that have not erupted for several years but may erupt again in future. Third, extinct volcanoes, the volcanoes that scientists, volcanologists believe will not erupt again. Volcanic eruption के बेस पर साइंटिस्ट ने 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है volcano को, एक्टिव, dormant एंड extinct volcano. एक्टिव volcano जो ज़्यादातर जल्दी जल्दी erupt होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, उसे एक्टिव volcano कहा जाता है. dormant volcano बहुत सालों में भी erupt नहीं होते हैं, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसे डोरमेंट volcano कहा जाता है. एक्सटिंक्ट volcano जो अब इरप्ट नहीं हो सकते हैं, उसे एक्सटिंक्ट volcano कहा जाता है. साउथ एशिया के अंडमान सी में बैरन मींस बंजर आइलैंड में एकमात्र एक्टिव volcano देखा जा सकता है. ड्रॉट, अ ड्रॉट इज जनरली डिफाइंड एज ड्राइनेस ड्यू टू द lack of rainfall and is related to the climatic condition in a specific environment. Drought are caused by lack of rain for a long period of time. Plants and animals need water to survive. So if sufficient water is not available,
they will eventually die from thirst and dehydration, loss of water in the body. Drought means sukha pad jana, dushkal pad jana. बहुत ही बारिश कम होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, ज़मीन सूखी पड़ जाती है, या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से रेनफॉल नहीं पड़ती है, जिससे ड्रॉट हो जाता है, दुष्काल पड़ जाता है, ड्राई हो जाती है ज़मीन. जब बहुत समय तक बारिश नहीं पड़ती है तो सूखा पड़ जाता है, और प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी के बिना नहीं रह सकते हैं तो उन्हें जब पानी नहीं मिलता है तो वो डाई हो जाते हैं, और थर्स्ट मींस प्यासे हो जाते हैं, और शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इन मोस्ट एक्सट्रीम केसेस ड्रॉट कैन लास्ट फॉर ईयर्स. दीज टाइप ऑफ ड्रॉट्स अफेक्ट प्रॉपर्टीज एंड कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड लिव स्टॉक. हाउएवर मैनी क्रॉप्स आर अफेक्टेड इफ अ फार्मर हैज़ लॉस्ट his crop due to drought, he will get no money to pay for the next seasonal crop. तो ऐसे बहुत सारे केसेस में जो ड्रॉट है बहुत सारे ईयर्स के लिए भी रहता है, तो इस टाइप के ड्रॉट में बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, क्रॉप डैमेज हो जाती है, और क्रॉप डैमेज होने की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको भी बहुत ही नुकसान होता है, और जो दूसरी सीज़न के लिए जो क्रॉप है उनके पास मनी भी पे करने के लिए नहीं होती है. तो ऐसे अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं उग सकते हैं, और फिर फार्मर्स को बहुत ही परेशानी हो जाती है. वेयर डू ड्रॉट्स अकर? ड्रॉट्स यूजुअली अकर इन हॉट ड्राई एरियाज ऑफ लैंड. इन मोस्ट केसेस द एरिया इज़ ड्राई बिकॉज देयर इज़ वेरी negligible rainfall. The rain that falls is quickly absorbed into the ground or blown away by the dry air flow that moves along the ground. Therefore, the land become very dry and is impossible for living things to survive there. During drought condition, people should try to migrate to the nearby area where the condition are relatively better. At least they will get some food and water. तो drought hot area में होता है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, वहाँ सूखा पड़ने लगता है. और जब बारिश पड़ती है थोड़ा बहुत, तो जो ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है पानी और सूख जाती है ज़मीन, और फिर जो लैंड है वह ड्राई हो जाती है, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए सर्वाइव करने के लिए इम्पॉसिबल है. और फिर जहाँ ड्रॉट पड़ने लगता है, जहाँ ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है लोगों के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट करने लगते हैं, दूसरे प्लेस में जाने लगते हैं, नियर बाय एरिया में, जहाँ कंडीशन थोड़ा इससे बेटर हो पाए, एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत फूड और वाटर मिल पाए, वहाँ के एरिया में वो लोग चले जाते हैं.